हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब भाई पाप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज है हम लोग का एनिवर्सरी तो देखते हैं अपना एनिवर्सरी हम लोग कैसे मनाते हैं अभी तो बना रहे हैं चाय सुबह का अब घर पे भी अभी कोई नहीं है माँ पापा जी परसों का गांव गए हैं काम था तो हम ही लोग हैं तीन जन तो तीन जन में कैसे मनाते हैं हम लोग अभी बना रहे हैं खीर और ये काबली चना पनीर का सब्जी तो खीर बन गया है सब्जी भी बन गया और आज का सब्जी हमारा इतना टेस्टी हुआ था वो देखने में इतना टेस्टी दिख रहा था खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ था तो नाश्ता में हम लोग यही बनाए थे और सब चीज़ थोड़ा कम ही बनाए थे क्योंकि शाम को भी कुछ कुछ बनाना है इसलिए कम ही कम बनाए थे हम लोग कि नाश्ते में ही ख़त्म हो जाइए फिर भी बच गया था सब और यहाँ पे अना को नाश्ता दे दिए वो नाश्ता कर रही है अभी तुरंत का बना है तो बोल रही है बहुत गर्म है ठंडा कर दो तो वो खा रही है अपना फिर हम लोग किए नाश्ता दोनों जन और दोपहर के देखते हैं दोपहर में कुछ सिंपल ही बनाएंगे हम लोग दाल चावल सब्जी तो दोपहर के लिए वही बनाए हम लोग दाल चावल सब्जी बनाए और वो लंच करने के बाद आई काम करने तो वो सब उसी में लेट हो गया हम लोग का बर्तन वगैरह धोई उसके बाद हम लोग शाम को मार्केट निकले तो लेट हो गया बहुत उधर से लौटने में अंधेरा हो गया तो अभी जा रहे हैं देख मार्केट और आने के लिए शूज़ लेना था शूज़ ले लिए और यहाँ पे हम लोग आए मिठाई केक वगैरह लेने तो मिठाई केक ले लिए और यहीं पे हम लोग शाम का नाश्ता कर लिए क्योंकि घर जाके फिर टाइम नहीं मिलेगा रात का खाना बनाना है और केक वगैरह भी कट करना है इसलिए तो यहाँ पे आलू चप हम लोग खाए बहुत टेस्टी यहाँ का आलू चप होता है तो और अब आ गए हैं घर ये बन धो रहे हैं चिकन तो आज के डिनर में हम लोग बनाएंगे शाही पुलाव और पालक वाला चिकन तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव और वो तब अन्या के पापा तब तक वो चिकन का तैयारी कर रहे हैं धो रहे हैं प्याज कट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ मेरा पुलाव बन गया है इसमें सब कुछ भून के मैं काजू वगैरह सब डाल दी हूँ यहाँ पे चिकन के लिए पालक भी उबाल रहे हैं इसको उबाल के अच्छा से धो के उबाल के, के पीस लेंगे और मसाला में मैं ली हूँ धनिया जीरा लहसुन गरम मसाला गोलकी चिकन के लिए तो ये सब में ले कर और पीस ली इसको अच्छा से उसके बाद अब बना रहे हैं लो चिकन तो फौरन में है सूखा मिर्च जीरा तेजपत्ता ये सबको डाल के भून के फिर इसमें प्याज़ डाल के भूनेंगे प्याज भून जाएगा तो डालेंगे नमक देखिए यहाँ पे प्याज भून गया इसमें नमक डाल के और तब डालेंगे हम लोग चिकन तो यहाँ पे प्याज भूनने के बाद मैं चिकन डाल के और कुछ देर चिकन को भी भूनेंगे ताकि थोड़ा पानी उसका जो छोड़े वो सूख जाए नहीं तो महकने लगता है वो पानी रहता है तो हमको तो नहीं अच्छा उसका थोड़ा भी महक लगता है इसलिए मैं पानी सुखा देती हूँ जो भी पानी छोड़ता है उसके बाद ही मसाला डालती हूँ तो यहाँ पे मसाला जो पीसी थी वो डाल के और हल्दी पाउडर मिर्चा पाउडर ऊपर से डाल के कुछ देर इसको मसाला भूनेंगे ढाक ढँक के और जब चिकन हमको सिंपल चिकन भी निकालना था अन्य के लिए क्या पता वो पालक वाला खाएगी कि नहीं तो उसके लिए निकाल दी उसके बाद में जो पालक पीसी थी वो डाल दी आप चाहें तो चिकन के मसाला के साथ भी पालक डाल के भून सकते हैं पर हमको निकालना था इसलिए मैं साथ में नहीं डाली बाद में डाली तो देखने में कितना अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन और खाने में भी बहुत टेस्टी हुआ था चिकन देखिए यहाँ पे चिकन भी तैयार हो गया हम लोग ज़्यादा नहीं एक के जी चिकन का बनाए थे अनया को तो अनया के लिए मैं सिंपल निकाली थी पर उसको तो सिंपल वाला नहीं खाई बोल रही है पालक वाला इतना टेस्टी लग रहा है और यहाँ पे जो सूज लिए थे वो माप रही है सिंपल ही सूज है। लिए हैं डेली यूज के लिए ठंडा आ रहा है तो पहले वाला छोटा हो गया था तो वो एनिवर्सरी हम लोग का था गिफ्ट अपने लिए ले रही थी वो सारा और उसके बन सब सब चीज़ बन गया तो हम लोग उसको खाली करके टेबल पे लगा दिए उसके बाद गए तैयार होने तैयार आ तैयार होके आके फिर हम लोग कट करेंगे केक तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे चिकन पाल पुलाव सब लगा दिए और यही केक हम लोग लिए हैं आज के लिए तैयार होके हम लोग आ गए और ये अन्य के चाचू भेजे हैं ऑनलाइन अभी हम लोग केक कट किए फिर एक दूसरे को खिलाए फिर थोड़ा फोटो सेशन हुआ आनिया ही हम लोग का ज़्यादातर फोटो आज का खीची है, तो देखिए कैसे कैसे खीची है, और दो गुलाब ली लेकर बोली पापा ले लो आज के दिन लिया जाता है तो फिर हम लोग एक दूसरे को गुलाब दिए उसके बोलने पे ही और यहाँ रिव्यू दे रही है चिकन का बोल रही है कि सिंपल नहीं खाएंगे पालक वाला इतना टेस्टी लग रहा है और ये भी बोल रहा है इतना टेस्टी हुआ है पालक वाला चिकन कि पेट भर गया है पर मन नहीं भर रहा है लग रहा है कितना खाएँ तो यहाँ पर हम लोग डिनर किए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में